बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के अंदर, और उसमें से जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको उसको भी वो भी कई कई पार्ट्स में। एक जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है यानी हिंदी में भूगोल, वो भी हम कई सेगमेंट्स में पढ़ते हैं। एक सेगमेंट जो है हमारा वो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का होता है, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी का, और एक छोटा सा पोर्शन होता है वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, या वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं इसके बारे में आता है और हमें जानने की जरूरत भी होती है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में जिस तरह से हमने पढ़ा था रेदा, कि हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स पढ़े थे, हम लोगों ने थेरीज पढ़ी थी, प्लेट टेक्टोनिक थेरी, पहाड़ कैसे बने, प्लेटूज कैसे बने, और प्लेट टेक्टोनिक थेरी है और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी है। उसी तरह से ये दुनिया है कि मतलब सिर्फ पहाड़ हैं, हम किसी भी पहाड़ पे जा सकते हैं, सिर्फ नदियां हैं, हम किसी भी नदी में जा सकते हैं, या सिर्फ रेगिस्तान है, ऐसा तो है नहीं। हमारे वर्ल्ड में जो इंसान है, इंसान ने इस दुनिया को अलग तरीके से डिवाइड किया है। पहाड़ों ने, नदियों ने तो अलग तरीके से डिवाइड किया था, ईश्वर ने, अल्लाह ने अलग तरीके से डिवाइड किया था, लेकिन इंसान ने अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली। इंसान ने अपने समझने के लिए अपने हिसाब से कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी और अपना एक साम्राज्य बना लिया, टुकड़े बना लिए, और यही पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। कि अगर हम देखें तो एक ही पार्ट में, एक ही आइलैंड पे दो दो कंट्रीज हैं, एक सब कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज हैं। आप देखिए नेपाल, भूटान या पाकिस्तान, इंडिया, इनकी कोई जमीन अलग नहीं है, कुछ कांटों के तार हैं जिन्होंने अलग कर रखा है, नहीं तो पैदल आप लैंड रूट से आप वाडगा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भी जा सकते हैं पैदल पैदल, और आप जो है नेपाल भी जा सकते हैं, आप भूटान भी जा सकते हैं, आप जो है अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, और ऐसे अलग कंट्री चाइना भी जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी फिजिकल बाउंड्री नहीं है। लेकिन क्या इतना आसान है जाना? आपको उसी जमीन पे या इसी अल्लाह की रूहे जमीन पे जाने के लिए, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे जाने के लिए आपको वीजा, पासपोर्ट, आइडेंटिटी सब कुछ बताना पड़ता है, तब एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप जा सकते हो, ऐसा है कि नहीं है भाई रिदा कहकशा, ऐसा है? तो क्या मैं एक्चुअली में इतना बच्चों वाला क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज कहकशा इज देयर एंड उन्होंने अभी तक पहली क्लास उनकी होने जा रही है, मतलब पहली बार वो किसी सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए मैं बहुत बेसिक्स बात कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो कहकशा तो यू कैन टॉक टू मी, ठीक है? ठीक, तो देखिए ऐसा है कि हमें अगर आपको सऊदी अरब जाना हो कहकशा, तो सऊदी अरब आप बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के जा सकती हो, तो ये वीजा, या दुबई जाना हो, तो अगर आपको दुबई जाना हो तो आप जो है वीजा और पासपोर्ट के बिना जा सकती हो, तो आपको पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ेगा। तो अल्लाह ने कहा था कि वीजा और पासपोर्ट लेकर जाओ, नहीं कहा था? फिर किसने कहा तुमसे कि वीजा और पासपोर्ट लो तभी जा सकते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं, ये कोई इंडिया किसी कंट्री की पॉलिटिक्स ने बनाई है, कि हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स ने बनाई है या अरब की कंट्रीज की पॉलिटिक्स ने बनाई है, यानी कि दीज बाउंड्रीज आर समथिंग, राजनीतिक बाउंड्रीज हैं, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज है कि नहीं है? तो इंसानों ने खींची है ये बाउंड्रीज, गिड़े? तो हम वही देखने जा रहे हैं कि इंसानों ने खींच तो दी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी खींची है बाउंड्रीज, ठीक है? कहाँ पे वो लोकेशन कहाँ पे है, सऊदी अरब कहाँ है, दुबई कहाँ है, क्योंकि खींच दी है तो भाई उसी तरह हम जानते हैं। हम तो ये नहीं जानते ना कि सिर्फ नदियों से, कि हम रॉकीज माउंटेन पे जा रहे हैं। अब रॉकीज माउंटेन पे अगर हम जा रहे हैं तो वहां रॉकीज माउंटेन में कौन सा है, कैनेडा है या यूएसए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम डायरेक्ट ये बोलते ही नहीं कि हम रॉकीज पे जा रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि यूएसए जाना है या कैनेडा जाना है, जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें बोलना है हिमालय जा रहे हैं, तो हिमालय में आप नेपाल वाले हिमालय पे जा रहे हो, सिक्किम वाले हिमालय पे जा रहे हो, चाइना वाले हिमालय पे जा रहे हो, कौन से हिमालय पे जा रहे हो?
क्योंकि हिमालय भी कई कंट्रीज में फैला हुआ है, भूटान वाले हिमालय पे जा रहे हो तो अलग अलग कंट्रीज में, तो हमारा मेन हम कैसे बोलते हैं, हम किसी कंट्री का नाम बोलते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, गेटिंग। तो यही है पॉलिटिकल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल। तो इस पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग पता है पहाड़ नदियों के अलावा हम लोग उन कंट्री की बाउंड्री के अंदर, जैसे हमारा इंडिया है, एशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, सो हम इसको जो पढ़ेंगे वो बहुत डिटेल में, और एज कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी है, और क्योंकि इंडिया भी एशिया के अंदर है तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। हम तीन कंट्रीज को तो सेपरेट पढ़ेंगे, चाइना, जापान और रशिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एशिया के अंदर। तो हम लोग चाइना, जापान और रशिया को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में आपको इंडोनेशिया वगैरह वाला पार्ट, लाओस, म्यांमार, ये सब वाला पार्ट आ जाएगा, और वेस्ट एशिया में आपका सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, ईरान, इराक, सीरिया, मुस्लिम कंट्रीज जो है, टर्की वगैरह, ये सब आ जाएगा, गेटिंग, ठीक है। तो एक बार हम लोग शुरुआत करेंगे चाइना और रशिया से, बहुत ही अच्छे से देखना है इसको, लेकिन आज क्योंकि हमें कंट्री स्टार्ट नहीं करनी है, अभी मुझे सिर्फ कॉन्टिनेंट के ऊपर बात करना है, तो कल से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बस वो बातें हम करेंगे जो नदीम को पता है, क्योंकि उसने छुट्टी ली हुई है मुझसे, तो वो बातें जो आपको नहीं पता है या आपको पता करने की जरूरत है, ब्रशअप करनी है, और नदीम को पता है, ऐसी ही बातें आज हम करेंगे, थोड़ी सी और बात करेंगे बस, उसके बाद फिर कल हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज हमारा जो मैंने जो बताया आपको, पहली चीज मैंने क्या बताई भाई, कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है, कहकशां आप इधर ध्यान दें, ये जो आपको मैप दिख रहा है ये वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, आप देखिए ये जो रेड रेड लाइन है, ये दिख रहा है आप, थोड़ा ब्लर तो है, ब्लर तो ये पूरा मैप ही है, लेकिन ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, एशिया दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने मैप है ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ जो ये रेड, ये आपको रेड रेड लाइन से दिख रही है ना, तो ये रेड लाइन से आप ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे यूरल माउंटेन है, और यहां से आप नीचे आएंगे तो आपको कैस्पियन सी, अपने मैप में भी देखिएगा आप, कैस्पियन सी आपको दिखेगा अपने मैप में, रक्षा बताती रहना, ये आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से थोड़ा सा इधर आप जाएंगी और ब्लैक सी की तरफ, रेदा ब्लैक सी की तरफ, वहां से आप ब्लैक सी से फिर आप होते हुए क्या नाम है आपका, टर्की है, टर्की से होते हुए रेड सी से होते हुए आप आए, रेड सी इधर आ रहा है, रेड सी से होते हुए गल्फ ऑफ एडन होते हुए, और आप ये श्रीलंका पूरा ये ऐसे करते हुए, ठीक है ना, और ये इंडोनेशिया को लेते हुए ऊपर ऐसे जापान वापान लेते हुए पूरा रशिया में ऊपर घूम जाइए, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे कुरील आइलैंड, वो बेरिंग सी, क्यूरिल आइलैंड वगैरह दिख रहा होगा, फिर बेरिंग सी दिखेगा, बेरिंग सी दिख रहा है, बेरिंग सी तक ऊपर तक जाइए आप, तो यहां पे आपको कारा सी से फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, वहां यूरल माउंटेन आ जाएगा, दिख रहा है, ये पूरा आपको एशिया दिखेगा, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है, दैट इज कॉल्ड एशिया, दिख गया। तो ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप, ठीक है। अब ये जो महाद्वीप होता है या कॉन्टिनेंट जो होता है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है ना, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज इन दिस कॉन्टिनेंट्स, मतलब एक कॉन्टिनेंट के अंदर दुनिया भर की कंट्रीज होंगी, जैसे हमारा एशिया है, ठीक है ना, एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, ओके। तो एशिया का एक बार मैप आपने देखा, इसमें आपने देखा होगा मेन मेन कंट्री, देखिए रशिया दिख रहा होगा, दिख रहा है रशिया, दिख गया, चाइना दिख रहा होगा, मंगोलिया दिख रहा होगा, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, म्यांमार, भूटान, उसके अलावा इधर आप देखेंगे इंडोनेशिया, जापान उधर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये एक्चुअल में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट जो है वो आपका एशिया और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना।
अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्टिनेंट होता क्या है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज होती हैं, समझ रहे हो आप। और ये हमने अपनी पढ़ाई के लिए हमने दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रखा है, मतलब हमने जो है 7 कॉन्टिनेंट ऐसे बना लिए हैं अपनी पढ़ाई के को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, हमें समझना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। तो अर्थ को हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया। अब वो कॉन्टिनेंट जो है और ओशन में डिवाइड किया, तो ये तो हो गया कॉन्टिनेंट, तो एक तो हो गया एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट का मार्क मार्क करवा दिया दरक्षा। अगर आपसे कोई ऐसे प्लेन मैप देकर बोले कि एशिया कॉन्टिनेंट मार्क कर दो, तो कर दोगी? क्या नाम है कहकशा? बस अभी आप ये जान लो कि अगर आपसे कोई पूछे एशिया कहाँ पे है, तो आप एशिया बता दो, बस इतना मुझे चाहिए और कुछ नहीं। मतलब मैप आपको दिखाए कोई और उसमें एशिया ना लिखा हो, तो भी आप बता दो कि ये रहा एशिया। ठीक है, एशिया हो गया। अब आ जाइए आप यूरोप, कहाँ जाइए? अभी फिलहाल सिर्फ मुझे मार्क करवाना है आपको, समझ में आना चाहिए कि एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है। यूरोप देखिए, यूरोप वाला जो इधर वाला मैप है, यानी कि ये जो रेड लाइन है ना, इससे आप आगे बढ़िए और इधर वाला जितना भी पार्ट बचा हुआ है, मेनलैंड जितना भी है, जहां तक आप जाएंगी वो पूरा यूरोप है, यानी मेडिटेरेनियन सी इधर उधर आपका जो है अटलांटिक ओशियन तक आप देखिए, इसमें जितना भी लैंड है वो सब क्या है, यूरोप है। क्या है? दिखा दो, दिखा दो। तो ये पूरा क्या है, यूरोप आ गया समझ में? कहां तक यूरोप है, दिख गया? अच्छा, अब यूरोप आपका ग्रीनलैंड भी जो है यूरोप के अंदर ही है, वो ग्रीनलैंड से नीचे वाला आइसलैंड, आइसलैंड तक आपका यूरोप है, आइसलैंड भी यूरोप के अंदर ही है। ठीक है ना, आइसलैंड दिखा दो इनको, ग्रीनलैंड से नीचे। ठीक है, ग्रीनलैंड से नीचे आइसलैंड, ये पूरा यूरोप है। ठीक है, यहां से लेकर इधर का पूरा यूरोप है। रिता समझ रही हो? अब यहां से ग्रीनलैंड की तरफ जाओ, ग्रीनलैंड से ले लो आप, और ग्रीनलैंड से लेकर और कहां तक चली जाओ आप, ग्रीनलैंड से लेकर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे से काटो, यहाँ गल्फ ऑफ पनामा, पनामा जो गल्फ है कैरिबियन सी, वहां से काटते हुए ऊपर पूरा चले जाओ, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आप ये पूरा यानी कि ग्रीनलैंड से स्टार्ट करो और गल्फ ऑफ मैक्सिको से नीचे, गल्फ ऑफ पना ये कैरिबियन सी का जो पॉइंट है ना, गल्फ पनामा, पनामा से ऊपर का की तरफ काटते हुए चले जाओ, ये आपका है क्या, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इससे नीचे वाला जो है, जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या, अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका। ठीक, दिख गया साउथ अमेरिका। अब इधर देखिए आप, नीचे वाला है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ले जाओ जरा इनको, रक्षा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है जहां पे एशिया खत्म होता है, ठीक है ना, वो पूरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर आएगा, यानी कि अगर आप उधर वो देखोगे आप, ये जो ऑस्ट्रेलिया क्या नाम है, ये पापा न्यूगिनी के बाद जितना भी एरिया है वो सारा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंडर में, न्यूजीलैंड तक। दिखा दो जरा। ठीक है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको रेड सी के नीचे जो है वो है आपका अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। है? अरे ठीक है, मेडिटेरेनियन सी यार। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, मेडिटेरेनियन सी, और क्या नाम है उसके, रेड सी के नीचे देखो सारा आपको दिखेगा अफ्रीका, दिख रहा है सामने ही होगा। ठीक है, मेडागास्कर भी इंक्लूड कर लेना उसमें। दिखा दिया दृक्षा, अब इनको दिखा दो एंटार्क्टिका, सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे जाके देखो एंटार्क्टिका दिखेगा। ठीक है, पूरा ये क्या है, क्या है बच्चा, क्या है, एंटार्क्टिका। ओके, एंटार्क्टिका हो गया। तो आपने मतलब देख लिया कि ये जो है हमारे यहां पे
ये सारे कॉन्टिनेंट हैं, कितने कॉन्टिनेंट हो गए? 7 कॉन्टिनेंट हो गए, राइट? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ओके, अभी हम बेसिक्स वाली ही बात करेंगे, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बस उन्हीं पे बात होगी कि ये हमारा जो है ज्योग्राफी है, ठीक है, एशिया की, फाइन, वो पूरे वर्ल्ड की। अब इनको दिखा दो जरा, ओशियन दिखा दो। सबसे ऊपर जाओ, वहां पे दिखेगा आपको आर्कटिक ओशियन, दिख रहा है सबसे ऊपर आर्कटिक ओशियन। वहां से आप नीचे की तरफ बढ़ो, इधर अटलांटिक से आ जाओ, द्रक्षा अटलांटिक, नीचे की तरफ आओ, आपको दिखेगा अटलांटिक ओशियन। ऊपर वाला साइड नॉर्थ होता है, नीचे वाला साइड साउथ होता है, तो ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक होगा, नीचे वाला साउथ अटलांटिक होगा, समझ रहे हो? अच्छा ठीक, अब ये अटलांटिक हो गया, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, ये देखोगे तो एस शेप में आपको दिखाई देगा, ये अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में दिखाई देगा, फाइन, दिख रहा है? ये वर्ल्ड का गहरा, सबसे गहरा ओशियन है, लेकिन सबसे बड़ा जो ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन आप देखिए पूरा इधर ग्लोब पे की तरह से इनको बता दो कि पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से शुरू होकर और ऑस्ट्रेलिया इधर पूरा तक आता है, यानी जापान ऑस्ट्रेलिया तक आता है, यानी पूरा घूम जाता है ऐसे गोल, और ये पीछे तक ऐसे पूरा अगर इस मैप को ये सीधा आपको इस साइड वाला दिख रहा है, अगर उधर वाला साइड दिखेगा तो पूरा जो है क्या दिखेगा, पैसिफिक ओशियन दिखेगा। क्या दिखेगा? आप कभी ग्लोब उठा के देखिएगा तो आप ऐसे घूमेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया से लेकर और इधर साउथ अमेरिका तक ये पूरा क्या दिखेगा, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका तक पैसिफिक ओशियन दिखेगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है? उसके बाद में इंडिया से नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडियन ओशियन, क्या दिखेगा? और यही एक ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे, इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन। उससे नीचे आप जाएंगे, सबसे नीचे जब चले जाएंगे अंटार्कटिका से जस्ट ऊपर, तो आपको सदर्न ओशियन दिखेगा, सदर्न ओशियन, या इसको एंटार्क्टिक ओशियन भी बोलते हैं, मतलब दोनों नाम से जाना जाता है, सदर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं और एटलांटिक के नाम से भी जानते हैं, गेटिंग, वो एंटार्क्टिक ओशियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्लियर है? दरक्षा, वो क्या नाम है इसका, क्या नाम है लड़की का यार, रिदा, रिदा, क्लियर हो गया? सब समझ में आया? ठीक है, तो अब हमें कहकशा बताएंगी अपनी आंख बंद करके कि सातों कॉन्टिनेंट के नाम बताएंगी और ठीक है, सातों कॉन्टिनेंट के नाम बताएंगी और सारे ओशियन के नाम बताएंगी, जरा बताइए कहकशा। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया कह लो, और एंटार्क्टिका, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, गेटिंग, लोग ओशियाना बोलने लगे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री, तो जब ऑस्ट्रेलिया वर्ड आ जाता है तो हम सोचते हैं एज अ कॉन्टिनेंट बात कर रहे हैं या कंट्री बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट एज वेल एज कंट्री, ठीक है ना? तो यहां पे कंफ्यूजन ना होने की वजह से आजकल लोग ऑस्ट्रेलिया ओशियाना बोलते हैं, ठीक है, तब तक गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक हम कुछ नहीं कहते, ठीक है ना? सिर्फ हम कहते हैं कि हाँ ऐसा खोजा गया है बस, ठीक है? तो पैसिफिक और ओशियन बता दो जरा फटाफट, क्या नाम है आपका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओशियन बताओ जरा क्या नाम है, कहकशा, आपको एशिया के अंदर जो है ना आपको मिलेगा 48 कंट्रीज यूएन के, जो यूएन ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, तो वहां लिखा रहेगा कि यूएन रिकॉग्नाइज करता है 48 कंट्रीज को एशिया की, तो उस समय आप एशिया लिखोगे। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज होती हैं जो डिस्प्यूटेड होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिन पे क्लेम नहीं होता, जो यूएन के मेंबर नहीं है, यूएन कंसीडर नहीं करता, डिस्प्यूटेड स्टेटस है, कुछ भी, तो ऐसे सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो 51 कंट्रीज नॉर्मली हैं डिपेंडेंसी लेकर, ठीक है ना? तो 51 कंट्रीज डिपेंडेंसी और कंट्रीज मिलाकर 51 है, जिसमें से जो 3 कंट्रीज हैं उनका स्टेटस बहुत क्लियर नहीं है या यूएन के मेंबर नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, जैसे कुछ ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिन पे चाइना क्लेम कर रहा है, कोई कंट्री क्लेम कर रही है तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, जैसे अगर फिलिस्तीन की बात करें, उसको वेल नोन है कि फिलिस्तीन को यूएन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो जब नहीं रिकॉग्नाइज किया था तो कंट्री का स्टेटस नहीं था, आप उसको कंट्री कंसिडर करेंगे
या नहीं करेंगे, यूएन के हिसाब से देखेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं तो करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज होती है, तो इसलिए कहीं कहीं डिस्प्यूटेड हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास वैसे कहा जाए तो डिपेंडेंसीज और कंट्रीज टोटल मिलाकर 51 है और यूएन ने 48 रिकॉग्नाइज करता है यूएन, ठीक है, जिसमें से मेजर जो कंट्रीज हैं वो रशिया, चाइना, जापान, इंडिया, ठीक है, एशिया में जो मेजर कंट्रीज हैं उनमें अगर देखा जाए। वैसे रशिया को ना कई बार कंसीडर करा जाता है यूरोप, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है, ठीक है, रशिया की कैपिटल क्या है, वो यूरोप के अंदर है, ठीक है, मॉस्को देखोगे आप यूरल माउंटेन की उस साइड में है, तो वो यूरल माउंटेन के उस साइड में मॉस्को आपको दिखेगा, देख लो आप एक बार एटलस में, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यूरल माउंटेन क्रॉस करके आप जब यूरोप में घुसोगे तब जाके मॉस्को आपको दिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कंट्री है ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है, रशिया जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है, लेकिन उसकी जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, यूरोप में है। तो कई बार यूरोपियंस उसको अपनी कंट्री भी कहते हैं, लेकिन उसका मेजर पार्ट जो है वो एशिया के अंदर है। गेटिंग? क्लियर है? लेकिन एशिया का मेजर पार्ट क्योंकि रशिया का मेजर पार्ट क्योंकि एशिया में है, इसलिए उसको एशियन कंट्री भी कंसिडर किया जाता है। ओके, दोनों में है, और क्योंकि वो रशिया हमेशा, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा ही है कि रशिया हमेशा से यूरोप के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता रहा है, आज भी करता है, तो वो तो उसका हमेशा से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो रशिया जो इतनी बड़ी कंट्री है वर्ल्ड का, यानी टोटल अगर एरिया आप देखेंगे, अगर टोटल वो देखेंगे कि एरिया कितना है, तो सबसे ज्यादा एरिया तो पूरे वर्ल्ड में एशिया में सारा मिला के सबसे बड़ा एरिया तो उसी के पास है, है कि नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की अभी भी, जबकि 17 कंट्रीज में डिवाइड करने होने के बावजूद, है ना। तो कुल मिलाकर यूएसएसआर जो था वो डिवाइड होने के बावजूद भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, इजंट इट। तो कुल मिलाकर हमने जो है देखा कि रशिया, चाइना, इंडिया, ठीक है, और आपका जापान, ये कुछ बहुत मेजर कंट्रीज हैं जो कि एशिया में फेमस है। उसके अलावा तो हम लोगों को उसी हिसाब से हम इसमें वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भी। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम कैसे पढ़ेंगे, हम लोग जो मेजर कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज हैं, उनको तो एज अ सेपरेट कंट्री देखेंगे, जैसे रशिया है, चाइना है, जापान है, इंडिया है, जो सिग्निफिकेंट कंट्रीज हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा जो कंट्रीज बचती हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया है, ओमान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सब जो कंट्रीज हैं इनको हम वेस्ट एशिया के नाम से जानते हैं, और जो इंडोनेशिया वगैरह है, इधर वाले जो कंट्रीज हैं, लाओस वगैरह, इसको हम साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। आर यू गॉट इट? क्लियर है? तो हम लोग जो है जो पढ़ने के नजर से जब हम एशिया को पढ़ेंगे, तो जो मेजर कंट्रीज हैं एशिया की उनको तो हम एक सेपरेट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और जो मेजर कंट्रीज नहीं है, जो कंट्रीज मतलब ऐसी हैं जो छोटी कंट्रीज हैं, उनको एक ग्रुप में पढ़ेंगे कि वेस्ट एशिया पूरा पढ़ लिया, फिर ईस्ट एशिया पढ़ लिया, साउथ ईस्ट एशिया, गेटिंग, ठीक है। तो मैंने, हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो रशिया चाइना से शुरुआत करेंगे। मैं आपको स्लाइड शेयर कर दी है मैंने, आप लोग एक बार स्लाइड भी पे नजर मार लीजिए, दिखा देता हूं मैं आपको। हैं? तो 54 अच्छा बताओ क्यों 54 है और यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा क्यों है, क्या नाम है, अफ्रीका के अंदर उसकी वजह है। देखो अफ्रीका जो है ना बहुत ही अनडेवलप्ड, बहुत ही कम अंडर डेवलप्ड था, आपको पता है हिस्ट्री में आपने देखा है, और यूरोपियंस ने इस पे कब्जा कर रखा था, राइट, बचपन से जानते होंगे कि यूरोपियंस ने बड़ा कब्जा किया था। तो जब कब्जा किया और अरबियन जो कंट्रीज थी, जो मुस्लिम कंट्रीज थी, वो भी नॉर्थ साइड में अफ्रीका के पहुंचे, जैसे इजिप्ट तो आपको पता ही है अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन इजिप्ट मिस्र जो है बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुरानी जो है कल्चर माना जाता है उसका, तो लीबिया, अल्जीरिया वगैरह, इधर सब मुस्लिम लोगों का इन्फ्लुएंस था। फिर जब एक्सप्लोर करना शुरू किया उन्होंने, क्या नाम है आपका, यूरोपियंस ने, तो वो इधर अफ्रीका की साइड में, साउथ अफ्रीका की साइड में आए,
और फिर इन्होंने दुनिया भर की कॉलोनीज डेवलप कर दी, छोटी 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 कॉलोनीज डेवलप कर दी। तो इसलिए वहां पे फिर जब ये आजाद हुई कॉलोनीज तो छोटी छोटी वो कंट्रीज में डेवलप हो गई। इसलिए 54 कंट्रीज जो है वो किसमें है? अब नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं? नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं? अरे देखने में दो लग रहा है, लेकिन सिर्फ देखने में दो लग रहा है, लेकिन है बहुत। ये जो छोटी छोटी सी दिख नहीं रही है तुम्हें, दिखाओ मैं दिखाता हूं। से ये दिख रही है छोटी? अरे क्यों भाग रहे हो? ये देखो, ये दिख रहे हो? देख रही हो? ये छोटी छोटी सी, छोटी छोटी सी दिख रही है। तो ये सब क्या है? ये भी तो कंट्रीज हैं, हैं? नन्नी मुन्नी सी कंट्रीज हैं। तो ये ऐसे कुल मिलाकर कितनी कंट्रीज हैं भाई? 23 कंट्रीज हैं। कितनी है? 23 कंट्रीज हैं। किसमें? नॉर्थ अमेरिका में। कितनी कंट्रीज हैं? नोट कर रही हो? मैं बाद में पूछूंगा। दरअसल नोट करवा दो इसको, इसको तो बताओ ना क्या करना होता है। इसको एक साइड में नोट, फुट नोट रखने होते हैं, अपनी लैंग्वेज में नोट करना होता है जो मैं बताता हूँ। बताओ इसको सब पढ़ना बताओ। तो अब लिख लो, एशिया में 48 कंट्रीज, एशिया यूएन रिकॉग्नाइज्ड, और उसके अलावा 54 कहाँ पे हैं, 23 कहाँ पे हैं, साउथ अमेरिका में कितनी है, 12 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज हैं? ठीक है, हम सॉवरिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्रीज हैं जो मानी जाती है ऑथेंटिक जो है? वो 12 कंट्रीज हैं, बाकी 13 भी डिपेंडेंसी वगैरह लेकर हो जाती है, लेकिन 12 हम मानेंगे। ठीक है, साउथ साउथ अमेरिका में कितनी कंट्री है आप रिकॉल करो, और अब रिकॉल करो। अब 12 कंट्रीज ऑथेंटिकली मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिस्प्यूटेड है, जैसे फॉकलैंड आइलैंड वगैरह, और ये सब कई बार डिस्प्यूटेड होते हैं। यूके डिस्प्यूट कर रहा है, कोई कोई डिस्प्यूट कर रहा है, तो इसलिए ठीक है। फ्रेंच गुयाना है, ये सब है, तो मतलब कुछ 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 में डिस्प्यूट भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो ऑथेंटिक माना जाता है सॉवरिन कंट्री, वो 12 मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है नहीं, फ्रेंच गुयाना डिस्प्यूटेड नहीं है, डिपेंडेंसी लेकर। फ्रेंच गुयाना जो है उसमें ओवर, उसको सूरीनाम वगैरह जो है, फ्रेंच गुयाना वगैरह ये फ्रांस गवर्न करता है, तो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं। बट सॉवरेनिटी जिनको मिली हुई है टोटल, ठीक है ना, वो मिली हुई है, वो 12 कंट्रीज को सॉवरिन कंट्रीज मानी जाती है। तो इसलिए 12 ही अभी कंसिडर करो अभी फिलहाल इस पे। ये बाकी डिस्प्यूट में हम जाएंगे, जब हम लोग जाएंगे साउथ अफ्रीका, तो फिर हम उस पर बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज का क्या स्टेटस है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी फिलहाल, क्योंकि इस बच्ची को सिर्फ अभी इतना बेसिक जानना है कि लगभग कितनी कंट्रीज हैं और कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो अभी तो वहीं पे रखो इसको, ठीक है ना। पहला लेक्चर है, फिर हम नदीम को आने फिर और डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ इंसाइट उसको भी मिलनी चाहिए ना, फिर बात करेंगे इसको। तो ये याद हो गई कितनी, कौन कौन सी हो गई? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं? यूरोप पहले ही कर लिया, कब किया था? मैंने भी तुम लोगों को होमवर्क भी दिया था। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज हैं टोटल यूरोप में, उसको नोट करवाओ, इस लड़की को बताओ नोट करे। इसीलिए कह रहा हूँ, ओवरलैप करके काउंट करते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो फिर भी ध्यान,
कंट्रीज कितनी हैं, कौन से में, ये हमने देख ली हैं। ठीक है, अब हम लोगों को वर्ल्ड में, अब कंट्रीज का अलग अलग स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रखा है, वहाँ माउंटेन कौन सा कहाँ पे है, रॉकीज कहाँ है, एंडीज कहाँ है, अप्लाचियान कहाँ है, वो सब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जिन लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी क्लास अटेंड की है पता है उन लोगों को। अब हम लोगों का जो चल रहा है कहानी, अब हम लोग जो है वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी चुके हैं। आज मैंने एक जर्नल सी छोटी सी क्लास ले ली है, जो सबको लगभग स्कूल में ही आइडिया होता है, तो जिन बच्चों ने मतलब भूल गए हैं उनको थोड़ा सा मैंने रिकॉल कराने की कोशिश की है कि आप लोग याद रखें कि ऐसा भी, क्या नाम है, वो सारी चीजें जो स्कूल में पढ़ी थी भूल गए हैं, तो दोबारा याद करने का वक्त आ गया है। तो हम लोगों ने वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी हम कर चुके थे, लेकिन उससे रिलेट तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है, ज्योग्राफी है तो रिलेशन कहीं ना कहीं आता जाएगा। आप लोगों को मजा भी आएगा पढ़ने में, कंट्रीज के बारे में जानने में मजा आएगा, वहाँ की पिक्चर्स देखने में मजा आएगा। थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना है, आपको जो भी कंट्रीज में पढ़ाऊँ उनको जाके रिसर्च करिए, देखिए कहाँ पे क्या है, कौन सी चीज़ है, वहाँ के एडवेंचरस जगहों को देखिए, आपके पास मोबाइल है आप जाके वहाँ की पिक्चर्स देखिए, ठीक है, आपको और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ठीक है, तो कल हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे इसके बारे में फर्दर। आप पहले ये रिवाइज करिए, बार बार मैप को देखिए कि एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, और फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि रटने के लिए, रटने वाली चीज़ों पे नहीं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं किसी में लिख दिया कोई डिस्प्यूटेड एरिया है, अब उसको भी कंट्री किसी ने मान लिया किसी ने नहीं माना, जैसे अब रशिया की कैपिटल जा रही है यूरोप के अंदर, अब वो कहे रशियन, रशिया जो है वो यूरोप में है या एशिया में है, तो भाई आपने बोल दिया यूरोप में, तो नहीं 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 ये तो रशिया एशिया में है, ने कोई बोल दिया कि आपने बोल दिया कि यूरोप में, तो बोलो नहीं 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 ये तो एशिया में है, अगर आपने बोल दिया एशिया में, तो नहीं नहीं ये यूरोप में है। तो ऐसी डिस्प्यूटेड बातों पर बेवकूफों की तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है, समझना ये है कि हमें अच्छे से एक एक मैप के एक एक चीज को पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। जो डिस्प्यूटेड एरियाज होंगे उनके बारे में बात कर लेंगे कि ये कंट्री डिस्प्यूटेड है और या ये एरिया डिस्प्यूटेड है यहाँ पे, और इसका स्टेटस क्लियर नहीं है, इसलिए कोई फैक्चुअल ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। आप डिटेल में चीजों को पढ़ोगे, लेकिन लगभग आइडिया होना आपके लिए जरूरी है कि 54 है, अब पता चला 48 कंट्री, 50 कंट्री के बजाय आप बताने लोगों की इतनी 400 कंट्रीज हैं, तो बेवकूफी हो जाएगी ना, पूरे वर्ल्ड में भी 400 है ना, तो ऐसे मतलब बात ना किया जाए। इसलिए एक लगभग रफली आइडिया हम लोग ले लेते हैं कि कितनी कंट्रीज हैं, कितने उसमें क्या नाम है कॉन्टिनेंट्स हैं, कितनी कंट्रीज हैं, कितने आइलैंड्स हैं, वो सब बातें हम कर लेते हैं। चलिए, तो हम इसके बारे में डिटेल में आगे इंशाल्लाह बात करेंगे कल से, डिटेल होगी कल से, चाइना रशिया इन सब के ऊपर बात होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो मैं आपको वो स्लाइड शेयर कर दूंगा रशिया चाइना वगैरह की, वहां से स्टार्ट करेंगे, और आप दरक्षा होमवर्क इनका करा दो।